कृष्ण योगी क्यों कहलाते हैं? कृष्ण ने तो सब कुछ जिया, पर योगी इसीलिए कहलाते हैं कि कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति रखता है, फिर भी 100 गालियां सुनता है, वो कृष्ण। सुदर्शन जैसा चक्र जिसके पास है, फिर भी हाथ में मुरली रखता है, वो कृष्ण। द्वारका जैसा वैभव है, ऐश्वर्य है, फिर भी सुदामा जिसका मित्र है, वो कृष्ण। मृत्यु के फन पर जो खड़ा है लेकिन फिर भी नृत्य है, वो कृष्ण। तो कृष्ण के पास दोनों चीजें हैं। एक तरफ देखोगे तो आपको लगेगा इनसे बड़ा रागी कोई नहीं कि पूरा आनंद लिया, बचपन जिया, द्वारका जैसी नगरी है, मथुरा के राजा है, तो ये सब तो राग है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वही द्वारका नगरी डूब गई। चाहते तो उसको बचा सकते थे पर डूबने दिया। इससे बड़ा वैराग्य और क्या कि सब कुछ था फिर भी सब कुछ छोड़ दिया, मतलब उसमें बंधे नहीं थे, उन चीजों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए कृष्ण सबसे बड़े योगी माने जाते हैं, उनसे बड़ा योगी और कोई नहीं। चीजों से भागकर उन चीजों से बचे तो फिर कहां से बचे? उनके बीच रहकर उनसे अनछुआ रहे तब आप कृष्ण के भक्त कहलाते। कृष्ण आपको कमल बनना सिखाते हैं, पानी में रहो पर पानी से अनछुए रहो। पानी की बूंद भी पड़ जाए वो भी अलग ही दिखती है कमल के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी छोड़ दे। वो पानी में ही रहता है पर उससे अनछुआ रहता है। तो आप कोई भी काम करते हैं, काम करना है, इच्छाएं पूरी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उनको खुद पर हावी नहीं होने देना। यही कृष्ण आपको सिखाते हैं, यही योगी राज कृष्ण आपको सिखाते हैं।